द ब्लॉग। सो परसों गए थे हम शादी में, उसके बाद मैंने कल ब्लॉग नहीं किया ऐसे निकल गया पूरा दिन। और अभी बजने वाले हैं 3 और अब मैं कर रही हूँ ये ब्लॉग की स्टार्टिंग। और बस अब ये एमू है जो सो रही है यहाँ पे, एंड एमू को हो गया था कल रात को फीवर, तो उस वजह से भी थोड़ा टेंशन हो गया था, बट अब ठीक है। अभी भी इसको हमने सुबह दोबारा दवाई दी, क्योंकि खाना कम कर देते हैं डॉग्स फीवर में, और इसने खाना छोड़ दिया तो हमें डाउट हुआ कि इसको फीवर होगा। फिर चेक किया तो सच्चे में फीवर था एमी को, तो अब उसको दवाई भी दी है। एंड अभी मैं बस कर रही थी पढ़ाई, एंड एमी जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना उसके ऊपर आके बैठती है या तो उसके साइड में आके बैठती है। वैसे अभी तो मेरा हो गया, मैं थोड़ा सा काम छोड़ के खेलने के तरफ ध्यान देना चाहती हूँ। मैं दो घंटे तो हो ही करूँगे, हाँ 2 घंटे से मैथ पढ़ रही हूँ। हाँ बोर हो गई, अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँगी शाम को। और मैं दिखाती हूँ मैंने कल ड्राइंग बनाई है, हाफ बनी है पूरी, हाफ बनी है अभी, हाफ भी नहीं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी रहती है दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये बना रही हूँ मैं अभी, इसके बाल थोड़े आधे अधूरे हैं, एंड ये बनाया था मैंने कल या परसों, मतलब इसको भी टाइम हो गया थोड़ा सा, बट इसके बाल अच्छे नहीं बन रहे जैसा मुझे लग रहा है। तो बाकी फेस तो सही बन गया, बट बाल सही नहीं बन रहे। तो अब मैं इसको रेस करके तो मैं भी दोबारा बनाऊंगी या फिर इसी को पूरा कर दूंगी ऐसे ही। प्लीज में से पानी डाल रहे हैं अपने पौधों को जो कि सूख चुका है। एक्चुअली हमने 15 दिन एमी कहाँ गई, एमी इधर आओ। एक्चुअली ना ये 15 से छुपा के रखते हो, 15 खींच देते हैं। कहाँ पे तो कहाँ पे है? सैमी भी आई है और मम्मी भी आई है, वो नीचे बात कर रहे हैं, पड़ोसियों से बात कर रहे हैं हमारे। क्या फिर वो बंदर ले जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ। तुलसी जी है ना इसलिए छुपा के रखी हुई है, फ्रेंड्स सूख चुकी है तुलसी जी। एमा एमा चीजे में मेरा बाबू है तू, एमा चीजे ना मेरा बच्चा है तू। हमने रखी थी ना उस दिन गीला हो रहा था। फ्रेंड्स बात मेरे को लग गई भूख, तो मैंने मम्मी को बोला कि बना दो मेरे पनीर का पराठा, तो मम्मी ने बोला मैं बना तो दूंगी बट तू आटा गूंद दे। अभी खा लिया है, मेरे को पता है मैं इसमें आटा डाल के आटा गूंद देती हूँ, फिर मेरे को पनीर का पराठा मिलेगा। तो मैंने गूंद दिया आटा, मम्मी ने पाया लेते हुए मेरे से रात के लिए भी आटा गूंदवा दिया। आटा गूंद दिया, प्याज चॉप कर दिए, पनीर बाहर निकाल के रख दिया। सो बस अब मम्मी आके बाहर गई है, मम्मी आते ही मम्मा बना देंगे मेरे पनीर का पराठा। और यहाँ मम्मी ने मिर्च सुखा के रखी हैं इस बच्चे की वजह से, अदरवाइज बाहर टेबल पे सुखाते हैं हम, इधर इसलिए रखी है। ये मम्मी अचार बनाती है मिर्च का, तो उसके लिए सुखा के रखी है। मेरी ताजा खबर ये है कि मुझे आटा गूंदे हुए, प्याज कटे हुए, पनीर बाहर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, बट ये मम्मी ने हमें पनीर का पराठा नहीं दिया। क्या कहना है इस वक्त आपका? 1 घंटे से भूख लग रही है, जा रही है, जा रही है। पनीर मैश होते हुए और इसमें अभी जो मैंने प्याज करे थे ये डालेंगे। सो सही किया मम्मी, इतने करने थे, सही है। तो इसमें प्याज डालते हुए एमी रुक जा, इसको उतार के आती हूँ 1 मिनट। क्या पीछे खड़े उतार नहीं सकते उसे? चल इसको देखना है किचन में क्या हो रहा है। चल चल अपट्टी जल्दी चल, हाँ अब बैठे यहाँ पे। अब क्या कर दिया मम्मी इतनी सी देर में? नमक डल चुका है, अब मिर्ची डालने जा रही है, ग्रीन चटनी नहीं है, थोड़ा सा स्वाद कम हो सकता है बट परांठे बहुत टेस्टी होते हैं यारे। अब मिर्ची जा चुकी है, अच्छा हमारे के कहा नया मैट देख लीजिए फ्रेंड्स। पायदान की तरह यही रहती है, डर लगता है किसी दिन पैरों के नीचे ना आ जाए। नहीं आएगी, हम सबको पता जब वो रहती है वहीं पर तो क्यों आएगी। मैं आप ही क्या आती है, क्योंकि मम्मी बिल्कुल बिना देखे चलती है, 1 से 2 बार मम्मी के पैरों में आ चुकी है। मैं देख बिना देखे नहीं जाती, तेरी वाली ज्यादा कूदकती है, कहीं पे भी प्रकट हो जाती है। उसकी जगह आएगी गेट पे बैठने की, यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो आई नहीं हूँ मेरे पैरों के नीचे। कल ही आई थी मम्मी, यहाँ इस जगह नहीं आई ना। परांठे आ चुके हैं, नूडल का भी परांठा आ चुका है, इनका एक और आ रहा होगा, और चाय भी अभी आ रही है, तो अब मैं इंजॉय कर लेती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी देर से, तो अब मैं खा लेती हूँ पहले फटाफट। चाय भी आ चुकी है और एमू सो रही है, अदरवाइज ये भी हमसे मांगती। और फ्रेंड्स हम इसमें लगा के खाते हुए देखते हैं, तो ये हमारा मतलब बहुत काम आता है। लास्ट व्लॉग में मैं और नूडल गए थे शादी पे, तो मम्मी सोच रही मैं कैसे बचूं, तो आज मम्मी जा रही है शादी पे पड़ोसियों की, और मैं एमी की केयर टेकर बन के घर पर रुकने वाली हूँ। एक्चुअली उस दिन मैं भी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि एमी के केयर टेकर के लिए कोई चाहिए था।
सब्जी में। ये साउंड सुन रहे हो, ये हमारी गली से बारात जा रही है ना, वो की हालत खराब हो गई है, वो मेरे को घुस रही है तो डर रही थी वो। अब बस मैं वो बाहर बारात देखने गई थी बट मैं देख नहीं पाई क्योंकि मम्मी तो डरने लगी। फिर मैं मम्मी के पास अंदर आके बैठ गई। अभी वो कंटिन्यूसली मुझे देखो चाट रही है। और मम्मा और नॉन भी शादी में गए हुए तो घर में मैं ही उसके साथ, डैडी सो गए, डैडी जल्दी सो जाते हैं तो मैं ही इसके साथ बैठी हुई, डर रही है। खाना भी नहीं खाया उसने सुबह से, एक्चुअली इसको फीवर है हम को थोड़ा सा, उस वजह से खाना भी नहीं खाया इसने। डॉग्स फीवर में थोड़ा कम कर देता है खाना, तो बस वही है कि खाना खाने के पीछे पड़ वो कंटिन्यूस चाट रही है, वो बहुत डरी हुई है। आलू कालो जी, नानी के घर में तो मांग मांग के खाए थे आपने, कालो जी। हाँ हाथ से खाने हैं मैडम को, खुद नहीं खा रही मम्मी। नहीं खा रही थी मैंने, डाला अपने आप खा रही है। वो देखो मेरे सामने आते ही तो उसके नखरे शुरू हो जाते हैं ना। लो खा लो बाबू, छोना दही का भिगोना खा लो बाबला। देखा देखा फ्रेंड्स, देख रहे हो गरम गरम डाल दिए क्या, ठंडे बड़े हैं यार अंदर। खा ले बेटा, खा ले खा ले। फ्रेंड्स पता नहीं इसने खाना क्यों कम कर रखा है। खा लो बेटू, खा लो खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, ये लो खा लो, ये लो खा लो। इनसे खाना छोड़ के कहाँ गई, ये खाना छोड़ के ना बोतल के साथ खेले जा रही है। मेरे को इतने काम करने हैं, एडिटिंग करनी है, फोन में 5% बैटरी बची है। बेटा खा ले खाना, एमा खाना छोड़ के उसे सब कुछ करवा लूँ। फ्रेंड्स आज ब्लॉग को कहते हैं सर आप सबसे लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड कमेंट। अब बस एमू की विश मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल जहाँ वो 5-6 मील खाती है उसने 2 मील खाई है और आज भी उसने सुबह से 1 ही मील खाई है, दोबारा उसके पीछे पड़े हुए वो नहीं खा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं अभी कल वैसे भी मंडे है, कल इसकी वैक्सीनेशन डे भी है इसका, सो डॉक्टर से पूछेंगे खाना कम क्यों कर दिया इसने। देखते हैं एमी के आगे के 2 दांत टूट गए, दूध के दांत टूट रहे हैं ना उसके, अब उसके नए दांत आएंगे, तो अभी देखा मैंने आगे के 2 दांत टूट गए उसके। सो बाय बाय, आपसे मिलते हैं हम कल।